फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बीते महीनों से सरकार खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर चिंतित है। बड़े राज्यों में चुनाव होना है, उससे पहले सरकार ने लगातार कदम भी उठाए हैं। खाने के तेल की महंगाई पर काबू पाने के लिए वायदा कारोबार को नियंत्रित करने से लेकर लगातार आयात शुल्क घटाने की घोषणाएं की गई हैं। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने रिफाइंड पाम तेल पर टैक्स बढ़ाने की मांग की है। सी ने सरकार से मांग की है कि कच्चे पाम तेल और RBG के बीच पहले दौर में रहा 11% का टैक्स का अंतर फिर से कायम किया जाए। दरअसल सरकार ने 20 दिसंबर से खाने के तेल पर कृषि उपकर 5% घटा दिया था। इसका असर हुआ कि रिफाइंड पाम तेल पर सेस सिर्फ 2.5% ही रह गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव सुधांशु पांडे को पत्र लिखकर एसोसिएशन ने कहा है कि RBG पर आयात शुल्क घटने का विपरीत असर देश के तेल उद्योग पर पड़ रहा है। CPO के मुकाबले रिफाइंड पाम तेल का देश में आयात करना सस्ता पड़ रहा है। आयातक इसके चलते रिफाइंड पाम तेल मंगवा रहे हैं, इसका बुरा असर यहां के उद्योग पर पड़ता दिखाई दे रहा है। रिफाइनरी को काम बंद करना पड़ रहा है, इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। दरअसल बड़े पाम तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया और मलेशिया भी अपने यहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए CPO के निर्यात पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, जबकि RBG के निर्यात पर कम। एसोसिएशन ने कहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया CPO के निर्यात पर $375 प्रति टन टैक्स लगाता है, जबकि RBG पर $248 प्रति टन। नतीजा हो रहा है कि देश में RBG का सीधा आयात शुरू हो गया है और स्थानीय तेल उद्योग व रोजगार इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में पहले की तरह RBG और CPO के बीच में 11% का आयात टैक्स का अंतर देश के तेल उद्योग और काफी रोजगार को बचाने में मदद कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि मकर संक्रांति के चलते प्रदेश की काफी मंडियों में अवकाश देखने को मिला, इसके साथ ही बाजारों में भी ग्राहकी काफी कमजोर देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए इंदौर में तो सोयाबीन तेल के भाव में गिरावट आई है। सोयाबीन तेल आंशिक टूटकर 1190 से 1195, कुछ प्लांट पर 1185 रुपए प्रति 10 किलो के भाव पर भी बिकता दिखाई दिया है। वहीं प्लांटों की खरीदारी सोयाबीन में अच्छी बनी रहने से सोयाबीन के दाम में फिलहाल मजबूती देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि मलेशिया पाम ऑयल काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में खाद्य तेलों का आयात 2021 से 2% तक घट सकता है, जिसका मुख्य कारण सोया सरसों का उत्पादन बढ़ना है। 2022 में पाम तेल आयात में कमी आ सकती है, परंतु सोया और सूरजमुखी तेल बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।